कोविड-19 गाइडलाइन के बारे में विस्तार से समझाने कार्यशाला आयोजित की गई। टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में CMO डॉक्टर शिवेंद्र चौरसिया के मार्गदर्शन में टीकमगढ़ शहर के सभी प्राइवेट डॉक्टरों को कोविड-19 गाइडलाइन के बारे में विस्तार से समझाने कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में टीकमगढ़ SDM सौरभ मिश्रा एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अमित चौधरी की उपस्थिति में डॉक्टर सौरभ जैन MD मेडिसिन PGMO द्वारा कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अप्रैल 2021 के विषय में विस्तार से समझाया गया। उन्होंने करंट वायरस स्ट्रेन को कैसे हैंडल करना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस दवा का कब कैसे उपयोग करना है आदि विषयों के संबंध में डॉक्टरों को बहुत ही सरल तरीके से बताया। उन्होंने पेशेंटों का उपचार एवं उन्हें दी जाने वाली दवाइयों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही डॉक्टर SB वड़गैया द्वारा PGMO एनेस्थीसिया द्वारा ऑक्सीजन थेरेपी, सभी प्रकार के मास्क के उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग कब कैसे करें सहित अन्य विषयों का डेमो के जरिए विस्तार से समझाया, ताकि शासकीय एवं प्राइवेट डॉक्टर्स मिलकर कोरोना से लड़ सकें। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सहित जिले के प्राइवेट डॉक्टर्स उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट। हम 90% फिर से बोल रहा हूँ 90% मॉर्टलिटी रोक सकते हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है। 90% मॉर्टलिटी कैसे रोकी जा सकती है? जैसे कि डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया है कि हमारा जो पेशेंट आ रहा है 0 से लेकर 10 डेज का ये पूरा फेल हो रहा है उसके शुरुआत में 0 से लेकर 2 डेज तक इंफेक्शन कॉन्टैक्ट में आया आसानी हो रही है सांस लेने में। शुरुआत में लगता है पेशेंट को कि ये हमें हेजिटेशन आया है, तकलीफ बढ़ जाएगी, हम उल्टे नहीं हो पाएंगे। तो पेशेंट को समझाना आराम से उल्टा औदा करने की कोशिश करना है। और जैसे ही उसने 2-4 बार सांस लेना चालू किया, आप यकीन माने यदि किसी का सैचुरेशन 50-60% भी है, 40% भी है, तो कहीं 90% पर आ जाएगा। 5-10 मिनट के अंदर आप पल्स ऑक्सीमीटर हाथ में लगा लीजिएगा और देखते रहे, वो डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करेगा। हमने चेस्ट की जो तकलीफ थी 40-50% से भी ऊपर अपना 90% से ऊपर चला जाएगा सैचुरेशन। ये चीज का हमें ध्यान रखना है, ये क्रॉनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट होना नहीं हो पाता है, बैठ तो अपना लेट नहीं पाता है, तो उसको बिठा के भी ये चीज कर सकते हैं। एटलीस्ट बिठा करके चेस्ट की जो तरह दे सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक करने से हमारा जो मीटर काउंट करता है डिसाइड कर लेता है। जैसे मार्किंग रहती है कि आपको कितना लीटर देना है, आप 2 लीटर दे रहे हो, 4 लीटर दे रहे हो, उससे अकॉर्डिंग टू कितना परसेंट जा रहा है। और इसमें निमोनिया के क्या लक्षण रहेंगे? अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट का बुखार नहीं जा रहा है, पेशेंट का CRP बढ़ा हुआ